तो भाई पाकिस्तान जीत गया है, हिंदुस्तान बाहर हो चुका है और सारी की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी है, लेकिन रूमी और सना मेरे साथ है। हम बात करेंगे आज पाकिस्तान की जीत की। सबसे पहले तो बताइए, खुश है इतना जबरदस्त? बहुत ज्यादा टेंशन में थे, बट अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वेरी हैप्पी। एक पॉइंट यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी, हमें इंडिया के हारने का कभी दुख नहीं होता, लेकिन कल बहुत दुख हुआ क्योंकि हम इंडिया पाकिस्तान को साथ में देखना चाहते थे। थैंक यू सो मच कि आपने हमारा थोड़ा सा दर्द बांटा, क्योंकि हमें लग रहा था श्रीलंका से हारने के बाद हम अकेले पड़ गए, लेकिन आज हमें पता चल गया कि पाकिस्तान भी उतना ही चाहता था जितना हम चाहते थे कि रविवार को दोनों टीमों का मैच हो। लेकिन आज के मैच में बताइए, क्योंकि पाकिस्तान ने बिल्कुल लास्ट बॉल तक जा रहा था मैच, लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरीके से बैटिंग किया, विकेट्स गिरते गए, मजा आया आप लोगों को? किसी एक खिलाड़ी लोगों को लग रहा था कि वी लॉस्ट इट और हम लिटरली दुआएं मांग रहे थे कि हम लोग घर जाके नफल पढ़ेंगे कि पाकिस्तान कैसे भी जीत जाए। पिच भी थोड़ी हार्ड थी, उन लोगों के लिए भी उतना ही मुश्किल था जितना पाकिस्तान के लिए मुश्किल था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एफर्टलेस नहीं था। बहुत एफर्ट के बाद फाइनली हम जीत गए एंड वी आर वेरी हैप्पी एंड वी रियली अप्रिशिएट आवर बॉयज के वो एंड टाइम पे हमें निकाल के ले जाते हैं, जैसे इंडिया का भी नहीं समझ आ रहा था एंड में जीतेंगे हारेंगे, बट ले गए अल्हम्दुलिल्लाह, अफगानिस्तान से भी हम ले गए। अच्छा एक चीज बस मुझे जाते जाते बता दीजिए, हिंदुस्तान में ये पता है लोगों को कि पाकिस्तान में विराट कोहली की बड़ी फैन फॉलोइंग है, क्या आप लोग भी विराट कोहली के फैन? विराट को क्यों पसंद करती है पाकिस्तान की लड़कियां इतना ज्यादा? मतलब उसके अंदर एथिक्स है, ही सो प्रोफेशनल, द वे ही कैरीज हिमसेल्फ एंड ही इज अ सीनियर प्लेयर आफ्टर ऑल, एंड द बेस्ट पार्ट इज कि ही इज वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी डाउन टू अर्थ, ही ऑलवेज मीट विद पाकिस्तानीज आल्सो, लाइक वी आर फ्रॉम देयर कम्युनिटी विद पाकिस्तानी प्लेयर्स इटसेल्फ इज सो नाइस कि आप जो वो वीडियोस में देखते हो ऑटोमेटिकली प्यार आता है यार, पॉजिटिव वाइब्स आती है विराट से हमको। चलिए आई होप कि पाकिस्तान के लिए अच्छा जाए टूर्नामेंट, यू गाइस हैव टू फाइट विद श्रीलंका नाउ। थैंक यू सो मच पाकिस्तान।